अस्सलाम वालेकुम, मुन्नी की रसोई में आपका स्वागत है। आज बनाने जा रहे हैं हरा साग। तो ये हरा चौड़ाई साग है, इन्हें गन्हारी के साग भी बोलते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद साग है। तो इसको हम अच्छे से काट लेंगे, इसको काट कर धो लेंगे। उससे पहले हमारे वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इसको हम काट कर धो लेंगे। देखिए, हमने साग को अच्छे से काट कर धो लिया है। तो इनको कुकर में डालेंगे। कुकर लिया है, साग को इनमें कुकर में डाल। तो देखिए, हमने साग को कुकर में डाल दिया है। एक अरे दो प्याज कटी हुई है, ये भी इनमें डाल देंगे। और ये लिया है हरी मूंग की दाल, छिकल वाली। आप आलू के साथ भी इन्हें बना सकते हैं, लेकिन दाल के साथ बनता है तो बहुत ही टेस्ट आता है साग में। तो ये धो लिया है, तो इनमें डाल देंगे। हल्का नमक डाल दिया है, मिर्ची हाफ चम्मच, एक गिलास पानी है, दाल भी गलेगा। एक गिलास पानी डाल दिया है। इनमें कुकर का ढक्कन लगा देंगे। इनमें दो सीटी लगा लिया है हमने, और इसको अच्छे से हम घोटनी से घोट लेंगे इस तरीके से। तरीके से मिला लेंगे। तो देखिए, इसे अच्छे तरीके से हम इस तरीके से मिला लेंगे। तो देखिए, इन्हें अच्छे से हमने घोट कर मिला लिया है। तब इनमें तड़का लगाने की तैयारी कर लेंगे। देखिए, हमने कढ़ाई चढ़ा लिया है। कढ़ाई गर्म हो गया, तो इनमें तेल डाल लेंगे। सरसों का तेल है। तेल गरम हो गया है, तीन में डालेंगे लाल मिर्च सूखी हुई और लहसुन। इसका तड़का लगाएंगे सबसे पहले। इसी के साथ इनमें एक चम्मच जीरा डाल देंगे। अब इनमें चार कटी हुई बारीक प्याज डालेंगे। इनमें ब्राउन कलर होने का कढ़ाई अच्छे से करेंगे। ये देखिए, हल्का चॉकलेटी कलर का कढ़ाई हो चुका है प्याज। तो इनमें साग डाल देंगे। आप इसकी खुशबू इतनी अच्छी है, तो खाने में कितनी अच्छी लगेगी। तो बहुत ही अच्छी लगती है साग, जो बनती है तो बहुत ही मज़ेदार लगती है खाने में। तो ये पराठे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी इन्हें खा सकते हैं। इस तरीके से हम साग में तड़का लगा लिया है। तो देखिए, तो उस टाइम हमने नमक थोड़ा कम डाला था, तो इनमें नमक का जरूरत है। तो इनमें हल्का नमक और डालेंगे, इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। साग बनकर तैयार हो गया है। तो गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, इन्हें एक बोल में निकाल लेंगे। देखिए, इन्हें इस तरीके से निकाल लेंगे। तो ये देखिए, साग ये बनकर तैयार हो गई है। चौड़ाई की, हरी चौड़ाई की साग, गन्हारी की। तो इस तरीके से हम बनाया है, आप भी इस तरीके से बनाइएगा। ये साग बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी हमारी जो भी नोटिफिकेशन होगी, वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो इसी तरीके से नए नए वीडियो लेकर आएंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।